Hello friends, myself Dr. N.K. Bawalia, Principal of Government Science College Sikar, Rajasthan. जैसा कि आपको मालूम है, हम मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न ट्रेंड्स इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी की एक कंटिन्यूस सीरीज ले रहे हैं. उस सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी और एज मॉडर्न टूल्स इन रिलेशन टू प्लांट टैक्सोनॉमी. यानी कि इकोलॉजी को और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस प्रकार से टैक्सोनॉमी के लिए मॉडर्न टूल्स के रूप में काम में लिया जा रहा है या किस प्रकार से ये ब्रांचेस टैक्सोनॉमी के लिए हेल्पफुल हैं. यदि हम सबसे पहले बात करें इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजिकल जो क्राइटेरिया हैं ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस चीज़ को हम नकार भी नहीं सकते हैं क्योंकि इकोलॉजी इंट्रा स्पेसिफिक लेवल के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है. इकोलॉजी के तहत कई इको टाइप्स की स्टडी की जाती है. इस इको टाइप्स के अंदर जो इको टाइप्स होते हैं उनकी इकोलॉजिकल स्टडीज की जाती है, तो उन स्पीसीज की टैक्सोनॉमिक स्टेटस को डिटरमाइन करने के अंदर हेल्प करती हैं और ये हेल्प उन स्पीसीज की किस प्रकार का डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजी है, किस प्रकार के कल्चरल एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, उनका एनालिटिक डाटा किस प्रकार का है. यदि दो स्पीसीज की यदि हम बात करें लिंडलबर्जिया की, जिसमें लिंडलबर्जिया पोलियंथा है, लिंडलबर्जिया अर्टिसिफोलिया है, ये स्पीसीज का डिमोन्स्ट्रेशन किया इनके इको टाइप्स का, ये दोनों सेम स्पीसीज हैं, तो स्पीसीज का डिमोन्स्ट्रेशन करने पर जो लिंडलबर्जिया पोलियंथा है ये कैल्सिकोलस प्रकार की स्पीसीज है और मिनिएचर फॉर्म के अंदर पाई, और जो दूसरी वाली स्पीसीज है लिंडलबर्जिया अर्टिसिफोलिया ये मिनिएचर फॉर्म के अंदर होती है. यानी कि एक बड़ी फॉर्म में होती है कैल्सिकोलस होती है और दूसरी मिनिएचर फॉर्म में होती है जो छोटे रूप में होती है. इसी प्रकार से यूफोर्बिया थिम्मी फोलिया नामक स्पीसीज है, इसकी जो इकोटाइप्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं, जो कैल्शियम कंटेंट के प्रति इस प्रकार के डिफरेंशिएशन देखने को मिलते हैं सॉइल के अंदर जो कैल्शियम कंटेंट होता है उसके आधार पर. इसके आधार पर ये रेड इकोटाइप्स होते हैं जो फैकल्टेटिव कैल्सिकोल के रूप में होते हैं और ग्रीन वन होते हैं जो ओब्लिगेट कैल्सिफ्यूज के रूप में होते हैं. इसी प्रकार से जो रेड प्लांट होते हैं इनके अंदर फिजियोलॉजिकली तीन प्रकार के डिस्टिंक्ट इकोटाइप्स देखने को मिलते हैं जो डिपेंडिंग द सॉइल एक्सचेंजेबल कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे बोरहाविया डिफ्यूजा है, गोमफिरिना सिलोसाइडिस है या मैक्रोडिनिया डाइंथेरा है. ये स्पीसीज इस प्रकार की हैं जो कैल्सिकोलस एंड कैल्सिफोगस प्रकार के इकोटाइप्स होते हैं जो एक प्रकार की हमें स्थिति दिखाई देते हैं. इसी प्रकार से यूफोर्बिया हिरटा की जो स्पीसीज हैं उनके अंदर तीन प्रकार की फॉर्म्स देखने को मिलती हैं. एक अपराइट फॉर्म होती है जो प्रोटेक्टेड हैबिट के अंदर ग्रो करती है और ये डिस्टिंक्ट इकोटाइप होता है. एक प्रोस्टेट प्रकार का होता है और जो तीसरी प्रकार की फॉर्म होती है यह कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है जो फुटपाथ पर पाई जाती है और डिफ्यूज्ड होती है जो ग्रेज लैंड के ऊपर पाई जाती है और ये इंटरकर्वेंट कन्वर्टेबल भी होती है जो रेसिप्रोकल ट्रांस प्लांट्स के रूप में प्रेजेंट होती है. इस प्रकार से इकोलॉजी इको टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनको कई प्रकार के इकोलॉजिकल फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है और उन इकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण से उनके अंदर कुछ स्पीसीज के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं और वो परिवर्तन ही इकोटाइप्स के रूप में जाने जाते हैं. इसी प्रकार से दूसरे टूल की या दूसरे ब्रांच की बात करें तो ये है GIS, जे फॉर जियोग्राफिक, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एस फॉर सिस्टम, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक लेटेस्ट टेक्निक है जो बायोसिस्टमेटिक का एक टूल है या टैक्सोनॉमी का एक टूल है जो रिमोट सेंसिंग के रूप में होता है जो कंप्यूटर के जरिए होता है और इस रिमोट सेंसिंग के अंदर सैटेलाइट्स के जरिए
एक आइडिया मिलता है पर्टिकुलर फाइटो जियोग्राफिकल एरिया का, और इस के जरिए कैमरे को यूज किया जाता है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, इसे सैटेलाइट्स के थ्रू पिक्चर्स प्राप्त की जाती हैं, और इससे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से उस पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, और इन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ साथ में जो सॉफ्टवेयर होता है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है इससे सूचनाओं को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, और उसको लोकेशन के साथ में अटैच्ड किया जाता है। इवन ये उस सॉफ्टवेयर के जरिए वहाँ की मैपिंग की जाती है, और एप्लीकेशन को रिमोट सेंसिंग के जरिए, लैंड सर्वे के जरिए, या एरियल फोटोग्राफी के जरिए, या मैथमेटिक्स के जरिए, या फोटोग्रामेट्री के जरिए, या जियोग्राफी के जरिए टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो GIS सॉफ्टवेयर इस काम को करता है। ये जो GIS टेक्नोलॉजी है इसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, आर्कियोलॉजी के अंदर, एनवायरनमेंट इंपैक्ट के अंदर, असेसमेंट कार्टोग्राफी के अंदर, क्रिमिनोलॉजी एंड टोपोग्राफी के अंदर, ऐसी कई ब्रांचेज हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। इसे नेचुरल डिजास्टर के अंदर भी यूज किया जाता है। इसके अंदर जो यूज लिया जाने वाला GIS सॉफ्टवेयर होता है, ये GIS सॉफ्टवेयर किस प्रकार का होता है? ये GIS जो सॉफ्टवेयर होता है ये असेस्ड किया जा सकता है, ट्रांसफर्ड किया जा सकता है, ओवरलेड होता है, ट्रांसफॉर्म्ड प्रकार का होता है, प्रोसेस्ड प्रकार का होता है, डिस्प्लेड प्रकार का होता है, जो वेरियस सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। इसके अंदर जो वेरियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें वेरियस कंपनीज होती हैं, जिसमें जैसे बेंटले सिस्टम होता है, ESRI सिस्टम होता है, मैरीफोल्ड सिस्टम होता है, स्मार्ट वर्ल्ड सिस्टम होता है, ये कई प्रकार की कंपनीज के सिस्टम होते हैं। गवर्नमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये इस प्रकार के सिस्टम को कस्टम कर लेते हैं, जिन्हें कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स के रूप में यूज करते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जैसे ग्रास, यूडिग आदि के नाम से जानते हैं। ये फ्री टूल्स के रूप में होते हैं जो GIS डाटाबेस या पब्लिक असेस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम करते हैं, जैसे गूगल अर्थ है या वेब मैपिंग है, इस प्रकार के सिस्टम होते हैं। इस GIS को विशेष रूप से मैपिंग के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर पैटर्न्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, क्वांटिटीज देखते हैं। पैटर्न्स मीन्स जैसे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, वहाँ पर किस प्रकार का डेफिनेट पैटर्न है जो किस प्रकार का प्रोडक्शन करता है, उसकी जो फीचर्स हैं ये इंडिविजुअल फीचर्स कैसी आ रही हैं मैपिंग के अंदर, और उनकी क्वांटिटी मैप के अंदर किस प्रकार की शो हो रही है, फ्रिक्वेंसी अबंडेंस पर्टिकुलर वेजिटेशन एरिया की किस प्रकार की क्वांटिटी के रूप में दिखाई दे रहा है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनका इंटर रिलेशनशिप लिया जाता है, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। इसके तहत कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये चेंजेस मैपिंग ऑफ डिफरेंट टाइम्स से लेकर के देखी जाती है कि किस किस टाइम पर किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। इससे के कई मेरिट्स हैं GIS के, उन मेरिट्स की बात करें तो इससे कंसंट्रेशन ऑफ वेजिटेशन ऑफ जो एरिया होती है उससे देखा जा सकता है, वहाँ की डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन को देखा जा सकता है, एरियल सर्वे किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को देखा जा सकता है, उन प्लांट्स का कैसा कैनोपी स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्म कैसा है उसको देखा जा सकता है, और इससे एनालाइज किस चीज़ किया जा सकता है, और दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाई जा सकती है पर्टिकुलर एरिया के लिए कि वहाँ पर इस प्रकार का वेजिटेशन होगा, इस प्रकार का वहाँ पर डाटा होगा। इन सब चीज़ों का एक तरह से बिना पर्टिकुलर जगह पर गए ही सारा ऑब्जर्वेशन ज्ञात कर लिया जाता है, और ये सारी सूचनाएं हमें पहले से मालूम हो जाती हैं और फिर जाकर के उनको वेरीफाई किया जा सकता है। इससे GIS से पर्टिकुलर एरिया की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, और टैक्सोनोमिस्ट को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए हेल्प मिलती है,
और इससे एक प्रकार का हमें रास्ता दिखाई देता है जो कैनोपी को अच्छी तरह से देखने में हेल्पफुल होता है। वेजिटेशन और दूसरी चीज़ों को दूर से देखने में काफ़ी सहायक होता है। इससे मैप से क्रिएट किया जा सकता है, डाटा गैदर्ड किया जा सकता है, डाटा बेस से इस प्रकार की चीज़ें गण की जा सकती हैं। इसलिए ये न सिर्फ हमें मैपिंग ही प्रोवाइड करता है, इवन उस एरिया के बारे में वो सारी सूचनाएं प्रोवाइड करता है जिन्हें एनालाइज की जा सकती हैं प्लांट और ह्यूमन बीइंग दोनों के केस में। इसी प्रकार से इसका पार्ट है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के अंदर डिटेक्शन और मीजरमेंट होता है जो रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के रूप में होता है, जो लाइट एमिटेड सोर्स के रूप में होता है, जो रिफ्लेक्टेड रूप में होती है, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से ली जाती है, जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्पफुल होती है। इससे प्रोसेस के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, ट्रांसमिशन पाथ चाहिए होता है, टारगेट चाहिए होता है, सेटेलाइट सेंसर चाहिए होते हैं। जो एनर्जी सोर्स होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में होता है जो एक अच्छा माध्यम होता है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए टारगेट टू सेंसर, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है ये शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में बाहर आती हैं, कॉस्मिक गामा रेज के रूप में बाहर आती हैं, ये 0.03 नैनोमीटर के रूप में होती हैं, और एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जो होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, टेलीविजन वेव्स होती हैं, जो माइक्रोवेव्स के नाम से जानी जाती हैं, जो 300 से लेकर के 300 सेंटीमीटर्स के रूप में होती हैं। ये जो रिमोट सेंसिंग होता है, ये रिमोट सेंसिंग सिस्टम मेनली दो प्रकार का होता है, एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में, जिसे एक्टिव सिस्टम एंड पैसिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो एक्टिव सिस्टम होता है इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशंस या रेडिएशंस होते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ द रिटर्न सिग्नल को मीजर करने में हेल्प करता है, और इसे सेंसर प्रोवाइड होता है ऑन इल्यूमिनेशन का, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक अपर्चर राडार के रूप में काम करता है, जिसे सार के नाम से जानते हैं, सार सिंथेटिक अपर्चर राडार के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो सिस्टम होता है पैसिव सिस्टम के रूप में होता है, इसे स्मॉल सेंसर्स के रूप में होता है जो रिकॉर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिकॉर्ड करता है जो रिफ्लेक्टेड होती हैं और एमिटेड होती हैं, जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं या एमिटेड होती हैं। ये पैसिव विजिबल होती हैं जो नियर इंफ्रारेड डाटा के रूप में होती हैं, जिन्हें जीआईएस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हेल्प लेते हैं, और इससे वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस प्रकार से ये सारे जो टूल हैं, इकोलॉजी की बात की हमने इसमें, या जीआईएस की बात की हमने, या रिमोट सेंसिंग की बात की, तो इससे प्लांट्स के बारे में हमें ज्ञान होता है, टैक्सोनॉमिकल डाटा के बारे में ज्ञान होता है, और इन्हें कुछ डाटाज को टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं, सर्वे के रूप में यूज़ कर सकते हैं, प्री आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें मालूम पड़ जाता है कि इस जगह पर किस किस प्रकार के प्लांट्स होंगे। तो इस प्रकार से ये ब्रांच टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप को शो करने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया से जुड़े रहिए। वीडियो का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।